दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ पहले आप बताइए कि मेरे डार्क सर्कल्स कुछ कम लग रहे हैं ना? मुझे लग रहे हैं, बाकी आप लोग बताइएगा। और ये कैसे हुआ है, प्लस इसके लिए मैंने क्या किया, तो इसके लिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल हुआ है, जो सुधार आना शुरू हुआ है एक ऐप के जरिए, जिन्होंने मुझे कस्टमाइज प्रोडक्ट भेजे हैं और वो उस ऐप का नाम है क्योर स्किन ऐप। इसको मैं पहले भी इंस्टाग्राम पे देखती थी और ये ऐप मुझे पसंद इसलिए थी क्योंकि इस टाइप की जितनी भी एप्स मैंने पहले देखी हैं या उनके एड देखे हैं, तो अगर आप 12 से 15 एड भी देखें तो 9, 10, 11 लोगों को उन्होंने सेम रेजिमे जो है वो सजेस्ट किया हुआ है। लेकिन इस ऐप में ऐसा नहीं है। जिन लोगों को एक्ने है उनको एक्ने से संबंधित दवाई वाली क्रीम दी है और जिन लोगों को नहीं है उन्हें नहीं दी है। तो दैट्स वाई आई ट्रस्टेड ऑन देम और मैंने उनको मतलब सामान लेने के लिए चूज किया कि मैं इनको ट्राई करूंगी अपने स्किन के लिए। तो सबसे बड़ी चीज जो है फ्रेंड्स, ऐसे है कि इसमें कस्टमाइज ट्रीटमेंट किट मिलती है आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग। अब आपकी स्किन क्या है, कैसे है, ये जांच कैसे करते हैं, इनके पास स्किन के डॉक्टर्स की पूरी टीम है। तो जब आप ऐप में लॉग इन करेंगे तो इनके एक डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट आपसे प्रॉपर लाइव चैट करेंगे, आपकी छोटी से छोटी बात वो पूछेंगे स्किन से रिलेटेड, आपकी एज, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस या बैलेंस, आपका सन एक्सपोजर, आपका पीरियड साइकिल, ईच एंड एवरीथिंग, बच्चे हैं या नहीं है, प्रेग्नेंट तो नहीं है, सब कुछ। तो इसके बाद वो आपकी छोटी से छोटी चीज क्वेश्चन एयर करके उसके बाद आपके फेस की फोन के फ्रंट कैमरा से नहीं बैक कैमरा से फोटो मांगते हैं ताकि ईच एंड एवरी डिटेल वो आसानी से देख सकें और बिल्कुल स्किन के डॉक्टर जैसे देखते हैं उस तरीके से वो आपका चेहरे को चेक करेंगे। तो जब मैंने ऐप में लॉग इन किया तो मुझे केवल डार्क सर्कल्स की दिक्कत थी, लेकिन बहुत सारी मेरे फेस पे इन्होंने प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिटेक्ट की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद बात करने के बाद, सारे क्वेश्चन करने के बाद, उन्होंने मेरे लिए कस्टमाइज किट तैयार की जिसमें मुझे रिसीव हुए हैं 4 प्रोडक्ट। अब फ्रेंड्स, जब तक आपने प्रोडक्ट आपको सजेस्ट कर दिए गए लेकिन आपने तब तक भी कोई पैसा पे नहीं करना है, आपको अपनी स्किन के लिए एक एक्सपर्ट एडवाइस मिल गई, उसको क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए आपको वो भी मिल गए, जब आप ऑर्डर करेंगे उन प्रोडक्ट्स को पैसा आपको तब पे करना है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने तक चले जाए ना तो 1400-1500 रुपए की तो फीस वो ही ले लेते हैं और प्रोडक्ट आएंगे अलग, यहाँ पर आपको अभी तक कोई पैसा नहीं देना है। तो मेरे को उन्होंने 4 प्रोडक्ट जो है वो सजेस्ट किए और इस तरीके की फ्रेंड्स ये किट मुझे मिली है क्योर स्किन ऐप की। देखिए कितनी सुंदर पैकेजिंग है, मैंने इसमें अभी इसमें ही रखे हुए हैं प्रोडक्ट। और इसमें मुझे मिले 4, एक ये फोमिंग फेस वॉश मिला, इसमें झाग वाला मतलब निकलता है, फोम वाला फेस वॉश है ये, इसको मुझे 2 times a day यूज करना है। और अंडर आई की दिक्कत थी तो एक ये अंडर आई के लिए क्रीम मिली है, सन एक्सपोजर मैंने बताया था मेरा होता है रोज ही तो ये एक सनस्क्रीन जेल मिला है, और नाइट क्रीम के लिए ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिली है। और इनको भी जैसे ही ये मेरे को रिसीव हुई, इनको कैसे कैसे यूज करना है इसकी बिल्कुल डिटेल में सारी इंस्ट्रक्शन ऐप पर मुझे भेज दी गई। इसके बाद भी हर दिन मेरे फॉलो अप होता है उसके थ्रू की नोटिफिकेशन आती है ऐप में कि आपको ऐसा फील हो रहा है, कि आपको इची फील हो रहा है, अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो हमें प्लीज बताएं, नोटिस कराएं हमें। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं सच में किसी डॉक्टर के साथ मतलब आमने सामने उसके कॉन्टेक्ट में हूं और वो डेली मुझे फोन करके मेरी अपडेट ले रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको फ्री इसमें क्या क्या मिलता है, फ्री वो डॉक्टर्स जो हैं वो आपको डाइट प्लान सजेस्ट करेंगे जैसे मेरे अंडर आई के लिए उन्होंने किया है। इसके अलावा आपको 1 महीने बाद फॉलो अप चेकअप होगा, वो उन्होंने अभी से भेज दिया है मुझे सितंबर में कि मुझे किस दिन अपनी फोटो दोबारा खींच के उनको भेजनी है। तो बहुत ही कस्टमाइज और ट्रस्ट वर्दी ये मुझे ऐप लगी। और जितने दिन मुझे अभी से हुए हैं लगभग 6 से 7 दिन हो गए हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं प्रोडक्ट आते ही वीडियो पे नहीं दिखाऊंगी, मैं पहले अपने ट्राई करूंगी, अगर मुझे लगा कि अच्छे हैं प्रोडक्ट तो ही मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी। तो हियर आई एम, अब मैं कह सकती हूँ कि ये क्योर स्किन वाला जो ऐप है ये बिल्कुल ट्रस्ट वर्थी है और आप इसमें भरोसा कर सकते हैं। और अपनी अगर कोई स्किन प्रॉब्लम ऐसी है जो अभी तक क्योर नहीं हो रही थी, आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं। और बाकी फाइनली रिजल्ट इसका जैसा जैसा आएगा, आप लोग मुझे डेली देख ही रहे हैं तो मेरे थ्रू आपको ये भी पता लगता रहेगा कि एक्चुअल में ये कितना काम कर रही है।
रखिएगा आप देरी ना करते हुए, चलिए बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संडे के कुछ ऐसे काम जो मैंने अभी तक आपके साथ शेयर नहीं किए थे। वीकली लॉन्ड्री और ऊपर वाली स्टोरी की सफाई के अलावा जो मैं करती हूँ, उनमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट और कभी ना छूटने वाला काम है कि मैं अपने नेल्स को हफ्ते में एक बार संडे में ज़रूर देख लेती हूँ। उनकी शेप खराब हो रही है तो वो कर देती हूँ, और ट्रिम करने हैं तो वो कर देती हूँ शेप दे के, और उसके बाद अगर नेल पेंट लगी हुई है तो मैं संडे को ही रिमूव करती हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री करते टाइम आधी वैसे ही छूट जाती है और आधी में बाकी बची हुई अगर होती है तो साफ कर लेती हूँ। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट काम है, ये लिप लाइनर, आईब्रो पेंसिल और ये मोटा वाला काजल जो मैं कई बार मोस्टली लाइनर की जगह यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत क्विक होता है, इन सब की जो नोक है वो ब्लंट हो जाती है, तो मैं इन सबको जो है अच्छे से, आज अगर ख़राब हुए हुए होती है इनकी नोक तो इनको शार्प करके रख लेती हूँ। तो अगर ये अच्छी तरह से बने हुए होते हैं तो सुबह जो तैयार होने में मुझे 5 मिनट ही लगते हैं पूरा मेकअप करने में, वो यही है। अब ये जो बच जाते हैं छोटे छोटे, जैसे छोटा सा काजल बचा है और छोटा सा लिप लाइनर है, इनका मैं क्या करती हूँ, इनको जो है मैं अलग रख लूँगी, एक अलग पाउच बनाऊँगी, और जो इनके शार्पनर हैं, ये जो शार्पनर बनाए हुए हैं ना, ये इनको भी क्लीन रखना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है। तो ये छोटी सी देखिए, एक लिप लाइनर हो गया, एक काजल हो गया, एक आईब्रो पेंसिल हो गई, एक लिक्विड वाला लिप सिंदूर, और ये 5-in-1 जो है वो लिपस्टिक मैंने रखी हुई है। तो ये आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी मेकअप किट है, और इसके शार्पनर को जो है आप मेकअप रिमूवर में अपनी कॉटन को डिप करके उससे साफ़ कर सकते हैं, या फिर अभी जो मैंने नेल पेंट रिमूव की थी उससे भी ये इजीली हो जाती है। ये सब चीज़ें मैं संभाल के रख दूंगी अलग, और उसके बाद इनका जो कूड़ा हुआ है इसको हाथ के हाथ फेंक दें, वरना ये काजल लिपस्टिक बहुत ज़्यादा कपड़े ख़राब कर देती है। अब जब ये इतना सब ये करती हूँ ना मैं, तो उसी दिन हर संडे को जो है थोड़ा सा अलमारी को उसी दिन थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ, कोई चीज़ इधर उधर हुई है तो उसको देख लेती हूँ, और कोई चीज़ अगर ऐसी है कि ड्राई हो गई है या ख़राब हो गई है, ख़त्म हो गई है, तो वो भी आज का ही दिन होता है जो मैं इसको थोड़ा सा खाली कर देती हूँ, सॉर्टेड सा कर देती हूँ। तो ये मेरे जो यूजुअली मेकअप में सामान काम आने वाले हैं, इन सबको मैंने ये रखा हुआ है, ये ओकेजनली काम आते हैं, और ये मेरा डेली मेकअप का है जिसमें डेली की लिपस्टिक, थोड़ी सी चूड़ियाँ और बाकी चीज़ें लिप लाइनर वगैरह रखी हैं। तो अभी भी ये सारा काम निपटाने के बाद शाम का टाइम है, और इस काम में मुझे लगभग लग जाते हैं 20-1 मिनट, तसल्ली से मैं सब सॉर्ट कर लेती हूँ। अब ये एक इयररिंग इस वाली ड्रॉअर में निकले हैं, इनको मैं इनकी जगह पे रखूँगी, और बाकी ये वाला सामान जो है वो ऐसा निकला है जो यूज़ में नहीं आ रहा और ये सूख गया है, या ब्रश है ये टूट गया, ये सब मैं फेंक दूँगी। अब एक ये सिंपल सा जो बच्चों का पाउच आता है, इस तरीके का ये पाउच है, इसमें अब मैं आपको रख के दिखा रही हूँ ये वाइट टोन वाला पाउडर, क्योंकि इस टाइम बहुत ऑयली स्किन है, वैसे ही इसके अंदर आता नहीं है, और एक ये जॉय की छोटी सी हैंडी सा ये पैक। तो ये एक इमरजेंसी मेकअप किट है। हुआ क्या था फ्रेंड्स, एक बार मैं इलेक्शन की ड्यूटी में जो है फंस गई थी और मुझे नाइट स्टे करना पड़ा वहीं पर, और सुबह ये लगाइए कि बस एक वैसलीन थी, और बस वैसलीन लगा के मुझे वहाँ पे पूरे दिन ड्यूटी अगले दिन देनी पड़ी, नहाने के बाद करने के लिए मेरे को लगाने के लिए चेहरे पे कुछ भी नहीं मिला था। तो तब से मैंने ये अपना रूल बना लिया कि इमरजेंसी मेकअप किट जो है वो छोटी सी एक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, अगर आप कहीं फंस जाएं या कुछ है और आपको सडनली कहीं ऐसी जगह जाना पड़े जहां आपको ठीक तरह से रिप्रेजेंट करना अपने को ज़रूरी है। अब ये लगाइए, इलेक्शन की ड्यूटी में सैकड़ों लोग आए थे जो मेरे पास वोट डालने के लिए आए, वहाँ पर मैं ड्यूटी दे रही थी, और मेरे मतलब मैं अपने लुक को लेके कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत पड़ रहा था कि मैं क्यों ऐसे अनप्रेजेंटेबल सी हूँ। तो तब से मैं जो हूँ अपने बैग में थोड़ा सा मेकअप जो है वो ज़रूर रखती हूँ। अब ये फ्रेंड्स मैं आईब्रो बना रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पाउडर लगाया, सिंपल टेलकम पाउडर, ताकि ईजीली बाल जो हैं वो निकल जाएं, और इनको प्लकर की मदद से जितने एक्स्ट्रा बाल थे वो निकाल लिए, और पतली वाली कैंची की मदद से ये स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कट कर लिया। अगर आपको डिटेल में देखना है कि क्या कैसे मैं करती हूँ, तो उसके लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पर, घर पर आप अपनी आईब्रो कैसे सेट करें, वो वीडियो मिल जाएगी
जाएगी, आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक करिए। तो मैं अपने आईब्रो वंस इन अ मंथ अपने आप ही इस तरीके से ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पर ना ये वाली आईब्रो में मेरी एक कट भी है, तो कई बार जो पार्लर में अगर हाथ बदल जाए, कोई और लड़की आ जाती थी तो कई बार बिगड़ भी जाती थी। अब मैं पिछले लॉकडाउन से खुद ही अपनी आईब्रो सेट कर लेती हूँ, तो कहीं आने जाने का जो है वो ये काम भी ख़त्म हो गया। केवल एक इसी काम के लिए मुझे पार्लर जाना पड़ता था, अब मैं वो भी नहीं जाती। तो ये मेरी आईब्रो जो है सेट हो गई। अब इसका सामान मैं प्लकर वगैरह रख दूँगी, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक और अफलातूनी जुगाड़ मेरा। ये जो इयररिंग्स हैं वो इतने सारे मेरे पास ड्रेस की मैचिंग के हैं, और बहुत से लोगों को शौक होता भी है मेरी तरह, तो उनको रखने के लिए मैंने ये एक DIY इयररिंग ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, CD के बेकार वाले मतलब एक केस पड़ा हुआ था उससे। और इसको भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे बनाया है इसको, अगर आप देखें, और हो सकता है ये ना हो आपके पास लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिल जाए। तो इसकी भी डिटेल्ड वीडियो मेरे दूसरे चैनल पर है, वो उसका नाम है जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता, और उसमें DIY इयररिंग ऑर्गेनाइज़र करके आप सर्च करिएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। इसमें मेरे जो हैं मतलब जो भी 60-70-80 जितने इयररिंग्स हैं ना वो सब समा जाते हैं, और अच्छी बात यह है कि वो ख़राब नहीं होते, किसी का कोई मिरर नहीं छूटता, किसी की कोई डेलिकेसी इसमें डिस्टर्ब नहीं होती, और ये सारे इस तरीके से एक जगह आ गए। और मैं अब इनको आराम से नीचे वाली ड्रॉअर में जो है रख देती हूँ, वरना वो इयररिंग्स जो हैं वो किसी भी तरह से संभल नहीं पा रहे थे, और कभी पहनने का मन हो तो मिलते ही नहीं थे इयररिंग्स टाइम पर, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब ये सारे एक ही जगह मुझे आराम से मिल जाते हैं, और एक भी बड़ी सी बुक सी ये बन जाती है, और ड्रेसिंग के नीचे वाले ड्रॉअर में आराम से ये रख दी जाती है। फ्रेंड्स, यहीं पर ख़त्म होता है आज का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो या किसी भी वजह से वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटिफुल ऑलवेज़।